जय हिंद दोस्तों, मायसेल्फ प्रीतम प्यारे। दोस्तों, सफलता और प्रतिभा किसी उम्र और डिग्री के मोहताज नहीं होती। लोग कहते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं तो क्या करें। दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है आपको सफल होने के लिए डिग्री जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों का डिग्री जो है ना, वो बक्सा और कोठी में रखे रखा रह जाता है। एक हमारे सामने बेस्ट उदाहरण पेश किया है दादी माँ, नाम है उनका राही बाई सोमा पोपरे। पूरा नाम है राही बाई सोमा पोपरे, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला की रहने वाली है। कभी स्कूल नहीं गई दोस्तों, और बहुत बड़ा कारनामा किए हैं दादी माँ, बहुत अच्छा काम किए हैं। अभी के समय में जो हम लोग जहरीला खाना खा रहे हैं, हम सब्जी बहुत खतरनाक खा रहे हैं, जो रासायनिक उर्वरक यूज हो रहा है, पोटास यूज हो रहा है, कीटनाशक यूज हो रहा है, वो चीज़ हम खा रहे हैं जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है और हमारा प्राण भी ले सकता है। इस समय 21वीं सदी में राही बाई सोमा पोपरे ऑर्गेनिक कार्बनिक खेती कर बहुत ही अच्छा काम किए हैं, और एक इनका अपना बीज बैंक भी है, सीड बैंक भी है। सोचिए, कभी स्कूल नहीं गए और ऑर्गेनिक खेती के मामले में कितना आगे तक ये काम किए हैं, और इनका कारनामा को देखकर और सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अचंभित हैं। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं डिटेल। उनका नाम है राही बाई सोमा पोपरे, 56 वर्ष की हैं, दादी माँ हैं 56 वर्ष की उम्र में। इसीलिए हम बोले कि उम्र सफलता किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। आप उदास हो जाते हैं कि मेरा उम्र तो ढल गया, इतना ज्यादा उम्र हो गया, हम क्या आप कर पाएंगे। नहीं, आप में लगन और परिश्रम करने की चाहत जुनून रहेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कभी भी और कहीं भी, विदाउट डिग्री। ठीक है, तो अच्छी बात है जो पढ़ रहे हैं और पढ़ लिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि डिग्री होने से आप सफल ही हो जाइएगा। महाराष्ट्र की अहमदनगर की रहने वाली है, उनका जन्म 1964 में हुआ था, राही बाई सोमा पोपरे 1964 में जन्म हुआ था। उपनाम उनको सीड मदर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, सीड मदर, बीज माता के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में उनका बीज बहुत फेमस है, बहुत डिमांड उनका बीज का बहुत ज्यादा है। उन्हें बहुत सारा पुरस्कार मिला है, जिसमें मेन दो चार हम बता रहे हैं, याद रखिएगा, नारी शक्ति पुरस्कार 2019 में राही बाई सोमा पोपरे को नारी शक्ति पुरस्कार 2019 में दिया गया है। पद्मश्री दिया गया है 2020 में, जो हमारे टॉप मोस्ट अवार्ड है देश का, उसमें से पद्मश्री जो है वो 2020 में राही बाई सोमा पोपरे को दिया गया है, उनके ऑर्गेनिक खेती के क्षेत्र में कारनामा के लिए। नेक्स्ट, द बेस्ट सीड सेवर अवार्ड, द बेस्ट सीड सेवर अवार्ड भी उन्हें दिया गया है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा अच्छा अवार्ड उन्हें मिला है। अच्छा काम करेंगे लोग तो मिलेगा ही, आप कीजिएगा हम करेंगे तो मिल सकता है। इसलिए हमें संघर्ष करना चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए देश के लिए, और अवार्ड लेने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, उनका सफलता क्या है, तो कम पानी में अधिक फसल देने वाली बीज बनाए हैं, कम पानी का यूज करके और अधिक फसल उपज होने वाला बीज वे बनाए हैं। आप सोचिए, अभी के समय में पानी का बहुत ज्यादा किल्लत हो रहा है हमारे क्षेत्र में, वर्षा कम हो रही है, प्लस में जनसंख्या बढ़ रहा है, पानी तो बढ़ नहीं रहा है, जमीन तो बढ़ नहीं रहा है, कम पानी में, कम जमीन में ज्यादा फसल उपज करने वाले बीज को उन्नत किए हैं, बनाए हैं राही बाई सोमा पोपरे। नेक्स्ट, उनका अपना सीड बैंक भी है, याद रखिएगा, राही बाई सोमा पोपरे का अपना सीड बैंक है, उसमें अनेकों तरह के बीज वे रखे हैं और उसे बेचते हैं। गुजरात महाराष्ट्र में उनके बीजों का खूब मांग है। तो उम्मीद है कि राही बाई सोमा पोपरे के बारे में आप जान गए होंगे, और इनसे प्रेरित होकर आप भी अपने लाइफ में किसी भी क्षेत्र में, कोई जरूरी नहीं है कि इंजीनियर, डॉक्टर और बड़ा बड़ा ऑफिसर ही लोग बने, आप देश के निर्माण में एक छोटा से छोटा हाथ बटाकर साफ सफाई और खेती के क्षेत्र में कुछ करके नाम कमा सकते हैं और देश के लिए कुछ कर सकते हैं।
देशभक्त कहला सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पर रहने वाले सैनिक ही देशभक्त कहलाते हैं, वे तो देश की रक्षा करने के लिए देशभक्त हैं ही। प्लस में हम सभी जो किसान भारतवासी देश की जनता हैं, जो अपने से हम छोटा छोटा हाथ योगदान दे करके, जैसे साफ सफाई हो गया, लोगों को पढ़ाना समझाना सिखाना मोटिवेट करना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, स्वास्थ्य, ये सब में हम एक दूसरे का हेल्प करके देश की सेवा कर सकते हैं और देशभक्त बन सकते हैं। हमें ये सभी करने का प्रयास करना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के फैक्ट और सही नॉलेज उन तक पहुंचे और वे हमसे जुड़ सकें। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।